फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेन टारगेट आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल के एग्जाम में हम कैसे 30 on 30 स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बच्चा, अगर आपको 30 on 30 बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जाम में चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 30 on 30 स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है एग्जाम में पास होने के लिए। सवाल ये उठता है, सर हम कैसे स्कोर करें? देखो बच्चा, इस 30 मार्क्स को मैं 3 पार्ट में बाइफरकेट करता हूं, और ये 3 पार्ट अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपके लिए इजी है। तो कैसे बटेगा? 10 मार्क्स 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, 10 10 और 10, जिसमें से ये 10 आपको 100% मिलता है, ये 10 मार्क आपको 100% मिलेगा ही। लेकिन सवाल ये उठता है कैसे ये 10 मार्क मिलेगा सर? तो बच्चा एक बात ध्यान में रखो, ये 10 मार्क्स के लिए सबसे पहली चीज आपकी जो जर्नल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है जर्नल के लिए कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क। वहीं पर आपके पास प्रोजेक्ट एक होगा, अब प्रोजेक्ट कितने मार्क का है? तो 5 मार्क्स का है प्रोजेक्ट। जहां तक हो बेटा आपका ना, कलरफुल पिक्चर्स के साथ स्टिक करो, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, अच्छा बनाओ, और जो भी आप प्रोजेक्ट लिखो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, कि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो मेरा टॉपिक क्या है प्रोजेक्ट का। और उसके बाद जो आता है वो है वाइवा, तो वाइवा जो है 2 मार्क के लिए होता है। तो वाइवा में ज्यादा करके जो आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने देखा है और मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में किया है कि मैक्सिमम बच्चों को हम 10 में 10 दे देते हैं। तो ये 10 सिर्फ आपका कंप्लीट जर्नल ही फाइनलाइज कर देगा कि चलो 30 में से कितने अपने डन हो गए, 10 मार्क्स। तो 10 फाइनल हो गया, अब उसके आगे क्या बचा? ये 10। अब ये 10 का मतलब क्या? ये 10 का मतलब है बेटा, इसमें जो आप परफॉर्म करोगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो कितने मार्क्स का है? तो हम कहते हैं 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स। सो 4 3 3 का बाइफरकेशन है। जो 4 है ना बेटा, 4 को ऐसे बाइफरकेट किया गया है, 1 प्लस 2 प्लस 1। अब सवाल उठता है 1 प्लस 2 प्लस 1 का मतलब क्या? 1 मार्क्स वो है जो आप लिखोगे, 2 मार्क्स वो है जो आप परफॉर्म करोगे, और 1 मार्क आपका कंक्लूजन और इन्फरेंस। यहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा तो 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का बाइफरकेशन कैसा है? 1 प्लस 1 प्लस 1, जिसमें से 1 मार्क क्या है? आपके राइटिंग का है, 1 मार्क्स परफॉर्मेंस, 1 मार्क फॉर योर कंक्लूजन। अब लास्ट का 3 मार्क्स कैसा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का? ये 2 प्लस 1 है, मतलब 2 मार्क्स आपको राइटिंग के लिए दिया जाएगा, 1 मार्क फॉर योर परफॉर्मेंस। अब ये 1 2 और 3 को कैसे हम हैंडल करेंगे उसके बारे में मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट का 10 मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, बहुत ध्यान देना इस बात पे कि बोर्ड्स में बेसिकली हम क्या भेजते हैं? आपका आंसर पेपर। सिंपल है, बोर्ड्स में हम क्या भेजते हैं? आपका आंसर पेपर। अगर आपने आंसर पेपर पे क्वेश्चन लिखा है तो ये तो परफॉर्मेंस है ना। अगर मान लो पोटैटो ऑस्मोस्कोप दिया, अब आपने आलू में बराबर से ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला या नहीं डाला, ये चीज बोर्ड में तो कोई प्रूफ जाता नहीं है। प्रूफ क्या जाता है? कि आपने उस क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपर अच्छे से बनाया या नहीं बनाया, कंक्लूजन प्रॉपरली लिखा या नहीं लिखा, वो इंपॉर्टेंट है जाना। तो जहां तक हो सके ये राइटिंग पार्ट आप क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहानी है, इफ योर राइटिंग इज परफेक्ट ना तो परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज हो सकता है। तो यहां पर अगर आपने लिखने का काम अच्छा किया तो आपका स्कोर 10 मार्क्स कंफर्म है। बाहर सवाल इसका, स्पॉटिंग का, सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत इजी है बेटा, इसके लिए बहुत इजी है। मैं एक काम करूंगा, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा बेटा, सेपरेट वीडियो, जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके स्पॉट A B C D E F G H कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्पॉट 10 मार्क्स, मतलब
अब सोचो स्पॉटिंग में भी कैसा रूल है बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है स्पॉटिंग का भी। अगर एक मार्क आपको मिल रहा है एक स्पॉटिंग के लिए, ध्यान से सुनना, एक मार्क एक स्पॉटिंग के लिए मतलब आधा मार्क्स आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मिल गया, मतलब जहां मान लो फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैमल है, तब आप लिखोगे द गिवन स्पॉट इज कैमल, उस कैमल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हाफ मार्क्स है। बचा हुआ हाफ मार्क क्या होता है बेटा, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब कैमल क्या है, तो हम कहते हैं वो जेरिक। बचा हुआ हाफ मार्क्स क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कैमल, कैमल कौन सा अडेप्टेशन, जेरिक अडेप्टेशन, लॉन्ग पैडेड फेट, हम्प, थिक फ्लैश, आई लैशेस, नॉस्ट्रल में हेयर, ये सब दो या तीन पॉइंट आपको लिखना है। आधे मार्क्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना लिखोगे बेटा, तीन पॉइंट, नॉट मोर देन दिस, थ्री पॉइंट सफिशियंट इनफ। तो अगर आप ये पैटर्न को समझ रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको 30 on 30 प्रैक्टिकल्स में मिलेगा। सवाल ये उठता है सर क्वेश्चन वन क्या, क्वेश्चन टू क्या, क्वेश्चन थ्री क्या, इसको कैसे करें। तो इस पूरे वीडियो को मैं क्या करूंगा बेटा, तीन पार्ट में ब्रेकअप कर देता हूं, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए और आपको भी वीडियो ज्यादा लंबी ना लगे। आज मैंने आपको एक जिस्ट दिया आउटलाइन क्या कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये फर्स्ट जो 10 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3, इसके बारे में बता दूंगा, जो हाल ही में बहुत जल्द आ जाएगा। और अगले वीडियो में पूरे 10 के 10 स्पॉटिंग में बता दूंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ही वीडियो और आगे आने वाली दो वीडियो, पहली वीडियो में ये क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में स्पॉटिंग, आपको फुल 30 on 30 देगा। और यकीन मानो अगर आपने 30 में 30 स्कोर कर लिया बेटा, आपके चांसेस टू स्कोर 90% मार्क्स इन बायोलॉजी इज वेरी वेरी इजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।